हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अड्डा 247। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमें यहाँ पे 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करना था, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, दिसंबर एंड द मंथ ऑफ नवंबर, राइट। सो बिकॉज वी कुड नॉट कम्प्लीट ऑल ऑफ इट, तो इसीलिए आज मैं ये सेशन स्पेशली आपके लिए लेके आ रही हूँ, जहाँ पे हम लोग फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो फिर दिस सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर SSC CGL एग्जामिनेशन, फॉर NTPC examinations, और यहाँ पे सिर्फ 6 आवर्स टारगेट टाइम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 1 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर कर पाए, राइट। सो विद दैट लेट अस प्लीज़ फोकस ऑन द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले करंट अफेयर्स के साथ, दैट इज अबाउट योर, मुझे स्क्रीन से हाँ हटा दीजिए। सो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, मान सम्मान वाला मान धन योजना, तो ये क्या हो सकता है? और जैसे कि आपको पता है ब्लैक बॉक्स वाला इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्या हो सकता है, कौन से स्टेट के बारे में हो सकता है, ये देखते हैं। सो दिस इज अबाउट दी PMSYM। आप सभी लोगों ने PMKVY एक्सेट्रा बहुत सारा सुना होगा। ये PMSYM क्या है? ये है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया। यहाँ पे आप MP के 100 डेज वाले सब लोगों ने याद किया है, तो किसी भी और के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। ये और कोई प्रोग्राम नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। कब? 15th of February 2019। क्या होगा इसमें? इसमें मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। कितने रुपये का मिलेगा? 3000 पर मंथ का मिलेगा 60 साल के बाद। और उसके बाद अगर जिनके नाम का पेंशन है, अगर उनका डेथ हो गया, तो जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे उनको 50% जो है आपका मिलता रहेगा। दोबारा से देख लेते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है, PMSYM, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें आपका स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला। तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फिर से आपको मिला है नोवाक जोकोविक को, तो एटलीस्ट इतना सा आप यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरियस प्रोजेक्ट्स इनॉगरेटेड बाई PM मोदी एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखते हैं इसको। अच्छा, PPT के लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए, जो आपका PPT से PDF बनेगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी और पूरा एक साथ शेयर करूंगी, ठीक है। 6 मंथ्स का एक साथ मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी, सो स्टे रेस्ट एश्योर्ड, सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और वर्ड्स को कॉपी और पेन में लिखते जाइए, प्लीज़ मेक इट अ हैबिट कि कीवर्ड्स को आप लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? रिपीट कर रही हूँ मैं ये दोबारा से, ये पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है झाझर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला ESIC मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो ESIC मेडिकल कॉलेज क्या होता है? बहुत सारे लोग प्राइवेट में काम करते हैं या फिर भी उनके पास मेडिकल टर्म्स वगैरह होता है, जो लेबर फोर्स होते हैं उनके पास भी होता है, तो ये बेसिकली कौन इंश्योर करता है? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, दैट इज़ ESIC, फरीदाबाद में खोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वेर इज़ योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, कहाँ पे है? पंचकुला में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। द लास्ट वन इज़ अबाउट योर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, बार बार जहाँ पे भी आयुष वर्ड आता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहला है इस तरीके का, तो आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑल दी थ्री, एक कैंसर इंस्टीट्यूट, एक ESIC, एक आपका यहाँ पे आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट और एक आयुष यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
बाफ्ता अवार्ड्स 2019 के बारे में। ये बेसिकली क्या है, आप सब वाई दिस वाज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेटफ्लिक्स आप सभी लोगों ने सुना होगा नेटफ्लिक्स के बारे में, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का एक ड्रामा है जिसका नाम है रोमा, ठीक है, उसने एक प्राइज जीता है। क्या जीता है? वोन द टॉप प्राइज एट द 72nd एडिशन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, दैट इज योर बाफ्ता। तो फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स। किसको मिला है यहाँ पे? बेस्ट आपका नेटफ्लिक्स का ड्रामा है रोमा, इसको बेस्ट फिल्म भी यहाँ पे मिला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट इज अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारा है HRD मिनिस्ट्री जो है उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल बोर्ड। अभी आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वो भी क्या है, ये दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिजिटल बोर्ड, राइट? सी, अभी आज ही का ये हिंदू में आया है, ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका कोचिंग सेंटर्स है उसके ऊपर एक न्यूज़ आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली फायर के वजह से जो बच्चों का डेथ हुआ, तो किस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक आपका कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर हो सकता है कि बच्चों की जान ना जाए इस प्रकार का। सो यहाँ पे थोड़ा सा उस एस्पेक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो आपका मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है डिजिटल बोर्ड। किस लाइन्स पे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के लाइंस पे, मतलब जैसा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था उसी के तरह यहाँ पे एक और है डिजिटल बोर्ड। तो किसने लॉन्च किया? HRD मिनिस्ट्री ने, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 61st एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। अब हनी सिंह ने गाने में भी गाया था ना कि ग्रैमी लेके आऊँगा, तो यहाँ पे 61st, टेलर स्विफ्ट में भी गाया था उसी लाइन में, 61st एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजिक के लिए। कहाँ पे? एट स्टेपल्स सेंटर इन लॉस एंजलिस, और इसको होस्ट किसने किया था? एलिजा कीस, हु इज हरसेल्फ अ सिंगर, तो एलिजा कीस ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, इंडिया का 40th कम्युनिकेशन सेटेलाइट, क्या नाम है? GSAT-31। क्या नाम है? GSAT-31। ये आपका फ्रेंच से हमने इसको लॉन्च किया है, तो GSAT-31 इंडिया का 40th सेटेलाइट है और ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है। नेक्स्ट, नेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो कहाँ पे स्थित है? वेयर इज़ द नेशनल वॉर मेमोरियल? एग्जाम में तो आंसर याद नहीं आएगा, तो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, 24x7 एक सेटेलाइट चैनल जो है ये भी उन्होंने लॉन्च किया है। क्या है 24x7 सेटेलाइट चैनल? डी डी अरुण प्रभा। डी डी न्यूज़ सुना था, नाउ इट इज़ योर डी अरुण प्रभा। वैसे ही एक और नया चैनल है ये, जैसे कि आप सभी लोगों ने डी न्यूज़ के बारे में सुना है, सो ऑल्सो रिमेंबर डी अरुण प्रभा। इसका एक शॉर्टकट ये भी देखिए, AP अरुण प्रभा, ठीक है, फॉर अरुणाचल प्रदेश, अगेन AP, ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं स्टेट के करंट अफेयर्स, दो स्टेट है यहाँ पे, एक बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में है। क्या है? सबसे पहला ऐसा स्टेट जो कि स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स रखेगा, ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, हनी बी को, जो मधुमक्खी होता है उसके साथ हम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सके, और बी तो हर जगह एक बहुत बढ़िया सा इंटेलिजेंस पहले से शेयर करती है, एक बी जहाँ जाएगी बाकी सभी लोग, एक खुशबू सा अटैच होता है जिससे सभी लोग वहीं पे पहुंच जाती है, तो हनी बीस को भी हम लोग बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रास रूट लेवल पे कितना ये इम्प्लीमेंट हुआ है नहीं, बट दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोच के देखिए, मधुमक्खी का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एज यू नो दिस डिटेक्शन स्क्वाड। एनीवेज, यहाँ पे डॉग्स का यूज़ किस लिए? वहाँ पे देखिए, काफ़ी समय से जो है लिक्वेयर बैंड है, अभी 3 साल हो गया है, तो लिक्वेयर बैन के बाद भी जो स्मगलिंग हो रहा है ना इसका, उसको चेक करने के लिए ये आपका ट्रेन डॉग्स का यूज़ करने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है आप सभी लोगों को पता होगा, सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने लॉन्च किया है प्रणाम कमीशन। कौन सा कमीशन? प्रणाम कमीशन। क्या काम करेंगे? इशूज़ जो कि आपका कंसर्न करता है, इशूज़ कंसर्निंग अ बिल ब्रॉथ इन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे एक प्रणाम स्कीम, कहाँ का है? प्रणाम स्कीम असम में लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए जॉइंट एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो जॉइंट एक्सरसाइज एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले एक्सरसाइज राहत, बहुत आपका फेमस है एक्सरसाइज राहत, कहाँ पे हुआ? एक्सरसाइज राहत हुआ जयपुर में, राजस्थान में, ठीक है। इट वॉज डेमॉन्स्ट्रेटेड इन जयपुर, कोटा एंड अलवर इन राजस्थान। किस चीज़ के लिए है? बेसिकली जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज राहत जो है ये किसी दो देश का बाइलेटरल या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका डिजास्टर से कैसे रोके, डिजास्टर रिलीफ रिलेटेड एक्सरसाइज है, ठीक है, राहत मिला। ओके, फाइव डे मल्टीनेशनल मैरिटाइम एक्सरसाइज, ये वाला मैरिटाइम एक्सरसाइज है, क्या है? अमन 19। सबसे पहला क्या था? राहत, कॉपी में राहत लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? अमन 19। अमन 19 किसके लिए है? जहाँ पे 46 नेशन ने पार्टिसिपेट किया है और फॉर्मली कमेंस्ड एट पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड। कहाँ पे? पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में, मतलब पाकिस्तान में ये आपका बेसिकली कंडक्ट हुआ है, ठीक है, राहत और अमन 19। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रैंक्स के बारे में। अब मुझे पता है अगर आप इसको लिख रहे हो तब तो आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हो तो आपका थोड़ा माइंड इधर उधर भटकेगा, आपको एक जगह पे इस तरीके से कंसंट्रेट होना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। सो प्लीज़ राइट इट डाउन, दीज आर सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मैं SSC और NTPC के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसी को यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना चुन चुन के मारा, उसी को मैं यहाँ पे चुन चुन के लेके आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडेक्स के बारे में, इंडिया का रैंक कितना आया? 47 किस में? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019। कौन प्रिपेयर करता है इसको? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU फॉर फेसबुक, ठीक है। तो इंडिया का रैंक कितना है? स्वीडन सबसे ऊपर है, फिर सिंगापुर है, फिर US है और इंडिया 47th में है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में। नेक्स्ट क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब जो है हैज़ ब्रोकन इनटू ग्लोबल टॉप 10 richest billionaire लिस्ट में, उनका भी नाम है 8th पोजीशन में, उनका नाम यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कौन सा लिस्ट है? बेसिकली हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019। और सबसे अमीर कौन है? अमेज़न के चीफ जेफ बेजोस जो है वो, और द हुरून ग्लोबल लिस्ट 2019 इज टॉप्ड बाय अमेज़न चीफ, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। यहाँ पे नेशनल साइंस डे, मैंने कल ही आपसे पूछा था वर्ल्ड वाला एक हो सकता है और नेशनल वाला, तो ये फरवरी के आखिरी दिन को मनाया जाता है। साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। नेक्स्ट देखिए 13 फरवरी को आप वर्ल्ड रेडियो डे, क्यों? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में इतना अगर ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड रेडियो डे बताइए कब सेलिब्रेट करते हैं। डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस, ये था इस बार का थीम। एक और समिट है जो सुषमा स्वराज है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जो है आपका एक एड्रेस किया था आबू धाबी में, वो गई थी और फर्स्ट टाइम के लिए वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया था। तो कौन सा विजिट किया था? आबू धाबी, ये याद रखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स सेक्शन में यहाँ पे दो ही बुक्स आप कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी एंड विजडम, ये बुक किसने लिखा है? ये दिनेश शहरा ने लिखा है और ये जो है आपका प्रमर्थ आश्रम एट कुंभ मेला में, कुंभ मेला जो आपका हुआ था वहाँ पर आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट इज जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं हामिद अंसारी, ही हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ बुक, क्या नाम है? नेम्ड अनडाउटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया, अनडाउटेड सेविंग द आइडियाज ऑफ इंडिया। और अब बात यह है कि उन्होंने इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया है, कहाँ पे? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो जहाँ भी बुक के नाम पे इंडिया आ जाता है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या लॉन्च किया है? रेल डिस्ट्री डैशबोर्ड, रेल डिस्ट्री डैशबोर्ड। और यहाँ पे बेसिकली कहाँ पे? आपका न्यू दिल्ली में। क्या है ये? ताकि लोगों को पता रहे कि किस तरीके से जो है आपका काम चल रहा है रेलवे में पूरी दुनिया में, इसके बारे में पता करवाने के लिए।
नेक्स्ट हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी. क्या इनॉग्रेट किया है? टाइटन वाला म्यूजियम. कहाँ पे है ये? आपका हैंड ब्लॉक, आपका बेसिकली जो प्रिंटिंग होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे. वैसे तो आप लोगों ने इसको एम्ब्रॉयडरी, सेम प्रिंट का एक कुर्ता आपका 1000 का भी हो सकता है और 100 का भी हो सकता है या फिर 10,000 का भी हो सकता है. तो अगर हैंड प्रिंट से किया हुआ ये बेसिकली आपको खादी ग्रामोद्योग में आपको खरीदने के लिए मिलता है या फिर वीवर सर्विस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर में, काफ़ी टाइम आपका ऑफिस के अंदर वीवर सर्विस सेंटर में आपको देखने को मिलता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में आप ऐसे हैंड ब्लॉक कुर्ता देख सकते हैं. सो हैंड ब्लॉक पेंटिंग इज स्टिल अलाइव इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यूज़ियम उन्होंने लॉन्च किया है, शिप्पा कम्युनिटी इन बागरू. ठीक है, तो बागरू जो है वो पेंटिंग कहाँ का है ये आपको पूछा जा सकता है. सो बागरू पेंटिंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्रिंटिंग. कहाँ का? राजस्थान का. ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. बागरू पेंटिंग कहाँ का? राजस्थान का. इससे पहले बिहार के पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा वेरी फेमस बिहार का पेंटिंग कौन सा. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट योर ऑर्बिचेरी सेक्शन. दैट इज क्या हुआ, यहाँ पे नोटेड हिंदी राइटर नामवर सिंह वो पास अवे किए थे. तो आपको पूछा जा सकता है, नामवर सिंह जो है, नामवर सिंह कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? तो वो राइटर है. किस चीज़ का? हिंदी लेखक आपके यहाँ पे वो रहे हैं और वो 92 एज में पास किए थे. एंड सिंस ही वॉज ऑल्सो दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ JNU सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है नामवर सिंह. द नेक्स्ट इज अबाउट योर रमेश भाटकर. रमेश भाटकर कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो मराठी एक्टर. सो दिस ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया आपके साथ फेब्रुअरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को. नेक्स्ट मंथ में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को. ओके, सो स्टे ट्यून टू अड्डा 247 और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर, गुड नाइट.